हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ट्रक ड्राइवर। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे। परिवार में 2 बेटियां किरण और गुड़िया के अलावा पति कमलेश था, जो सीधा और थोड़ा कम अकल था। कमलेश मरियल देह का मेहनती इंसान था। घर के सामने हमने एक ढाबा खोल रखा था। कमलेश का ढाबे पर सुबह से रात तक डटकर मेहनत से 2 पैसे कमाना और बीवी बच्चों का पेट भरना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। जब कभी बारिश के दिनों में ताल तलैया में मछलियां भर जाती, तब कमलेश की जीभ लालच से लार टपकाने लगती थी और वह जाल लेकर मछली पकड़ने दोस्तों के साथ घर से निकल पड़ता था। गांव में मजदूरी ना मिलने पर वह कई बार दिहाड़ी मजदूरी करने आसपास के शहर में भी चला जाता था। तब मैं अकेली ही सुबह से रात तक ढाबे पर रहती थी। गठी बदन और तीखे नाक नक्श की मैं 28 साल की होकर भी गजब की लगती थी। जब मैं ढाबे पर बैठकर खनकती हंसी हंसती तो रास्ते चलते लोगों के सीने पर तीर चुभ जाते थे। कितने तो मन ना होते हुए भी एक कप चाय जरूर पी लेते थे। एक बार मूसलाधार बारिश से मेरे गांव से आगे 2 मील दूर बहती नदी चढ़ाई थी। सारे ट्रक नदी के दोनों तरफ रुक गए थे। तकरीबन 1 मील लंबा रास्ता ट्रकों से जाम हो गया था। तब ना कोई ट्रक आता था ना जाता था। सड़क सुनसान पड़ी थी। इस कारण मेरा ढाबा पूरी तरह से ठप हो चुका था। मैं रोज सवेरे ग्राहक के इंतजार में पलक पावड़े बिछा कर बैठ जाती, पर एक एक करके 4 दिन निकल गए और एक भी ग्राहक ना फटका था। बोनी तो हुई ही नहीं, उल्टे गांठ के पैसे और निकल गए थे। ऐसे में मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। मैं मन ही मन खुद पर बरसती कि चौमासे का भी इंतजाम नहीं किया। उधर कमलेश भी 10 दिनों से गायब था। न जाने कस्बे की तरफ चला गया था या कहीं उफना नदी में मछलियां खंगाल रहा था। कमलेश का ध्यान आते ही मैं सोचने लगी कि किसी जमाने में वह कितना गठीला और गबरू जवान था। आग लगे इस नासपीटी दारू में कि उसकी देह दीमक लगे पेड़ की तरह खड़ी खड़ी सूख गई। अब नशा करके आता है और उसे बेकार ही जग जोर कर आग लगाता है। खुद तो पटाखे की तरह फुर्स हो जाता है और वह रात दिन भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। कभी कभी तो कमलेश खुद ही कह देता है कि रीमा, अब मुझ में पहले वाली जान नहीं रही, तो तू तलाश ले कोई गबरू जवान जिससे हमारे खानदान को एक चिराग तो मिल जाए। तब मैं कमलेश के मुंह पर हाथ रख देती और नाराज होकर कहती कि चुप हो जा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए। तब कमलेश बोलता, अरे शास्त्रों में लिखा है कि बेटा पैदा करने के लिए घड़ी दो घड़ी किसी ताकतवर मर्द का संग लेना गलत नहीं होता। इतनों ने ही किया है, पंडित से पूछ लेना। मैं अपने घुटनों में सिर देकर चुप रह जाती थी। रास्ता रुके हुए 6ठा दिन था कि रात के अंधेरे को चीरती एक टॉर्च की रोशनी मेरे ढाबे पर पड़ी। मैं आंखें मसलते हुए उधर देखने लगी। पास आने पर देखा कि टॉर्च हाथ में लिए कोई आदमी ढाबे की तरफ चला आ रहा था। वह टॉर्च वाला आदमी ट्रक ड्राइवर का नाम राकेश था। राकेश आकर ढाबे के बाहर बिछी चारपाई पर बैठ गया। बरसात अभी रुकी थी और आबोहवा में कुछ उमस थी। राकेश ने बेझिझक अपनी कमीज उतार कर एक तरफ फेंक दी। वह एक ढीले बदन का मर्द था। बल्ब की रोशनी में उसका गोरा बदन चमक रहा था। बेचैनी और उम्मीद में खड़ी मैं कनखियों से उसे ताक रही थी। थकान
और गर्मी से जब राकेश को कुछ छुटकारा मिला तब उसका ध्यान मेरी ओर गया। वह आवाज लगाकर बोला, क्या कुछ रोटी वगैरह मिलेगी? हाँ, मैं बोली तो लगा, दो दाल फ्राई और रोटी। मैं जैसे बिजली से चमकी। मैंने भट्टी पर फटाफट दाल फ्राई कर दी और कुछ ही देर में मैं गरम तवे पर मोटी मोटी रोटियां पका रही थी। चारपाई पर पटरा लगाकर मैंने खाना लगा दिया। खाना खाते समय राकेश कह रहा था, 4 दिनों से भूख से बेहाल हो गया। जाने मेरे हाथों का स्वाद था या राकेश की पुरानी भूख, उसे ढाबे का खाना अच्छा लगा। वह 8 रोटी खा गया था। पानी पीकर उसने अंगड़ाई ली और वही चारपाई पर पसर गया। मुझको जेब से निकालकर उसने 500 का एक नोट दिया और बोला, पूरा पैसा रख ले। मुझको जैसे पैर में पंख लग गए थे। मुझे राकेश की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। बर्तन नाले पर रख कर मैं फिर भट्टी के पास आ बैठी। कुछ देर बाद वह बोला, आज यहाँ रुकने की इच्छा है, आधी रात को कहाँ ट्रक के पास जाऊंगा, क्लीनर ही गाड़ी की रखवाली कर लेगा। क्यों, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझको भला क्या एतराज होता, मैंने कह दिया कि मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ। और राकेश चादर तान कर सो गया। रात गहरी हो रही थी। बादलों से घिरे आसमान में बिजली की चमक और गड़गड़ाहट रह रह कर गूंज रही थी। तब रात के 12 बजे होंगे। किसी और ग्राहक के आने की उम्मीद छोड़कर मैं वहां से हटी। देखा तो राकेश धनुष बना गुड़ी मुड़ी हुआ चारपाई पर पड़ा था। मैं भीतर गई और एक कंबल उठा लाई। राकेश को कंबल डालते समय मेरा हाथ उसके माथे से टकराया तो मुझे लगा कि उसे तेज बुखार है। मैंने अचानक अपनी हथेली राकेश के माथे पर रखी पर टुकुर टुकुर वह मुझे ही ताक रहा था। उन आंखों में मैंने अपने लिए एक चाहत देखी। जब मैं चलने लगी तो अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर कसमसाने के बाद मैंने अपने आप को उसकी बाहों में कैद कर दिया। उसने मुझको चारपाई पर ही लिटा दिया और हम दोनों एक दूसरे में समा गए। सालों बाद मुझको बड़ा सुख मिला था। भोर होने से पहले ही मैं उठी और पिछले कमरे की ओर चल पड़ी थी। मैंने सोचा कि खुद राकेश ने ही तो इसके लिए मुझसे कहा था, और फिर इस काली गहरी अंधेरी रात में भला किसने देखा था। यही सब सोचते सोचते मैं नींद में लुढ़क गई। सुबह बड़ी बेटी ने मुझे जगाया और बोली, रात का मुसाफिर 1000 दे गया है। मैं चौंकती सी उठी तो देखा राकेश जा चुका था। चारपाई पर पड़ा हुआ कंबल मुझे बड़ा घिनौना लगा। मैं देर तक बैठी रात के बारे में सोचती रही। 15 दिन बाद राकेश फिर लौटा और कमलेश के साथ उसने खूब खाया पिया। नशे में डूबा कमलेश राकेश का गुण गाता भीतर जाकर लुढ़क गया था और मैंने जानबूझकर लाइट बुझा दी और खुद को राकेश को सौंप दिया। राकेश का अपना ट्रक था और उसे खुद ही चलाता था, इसलिए उसके हाथ में खूब पैसा भी रहता था। मेरा सांचे में ढला बदन और मेरी चुप रहने की आदत बहुत भाई थी उसे। मैं अपने शरीर के आगे मजबूर होती जा रही थी और राकेश के जाते ही हर बार खुद को मन ही मन कोसती रहती थी। अब राकेश के कारण हमारी माली हालत सुधरने लगी थी। वह कमलेश का भी गहरा दोस्त हो गया था। दो लड़कों का बाप राकेश बताता था कि कितना अजीब है कि वह लड़की पैदा करना चाहता है और कमलेश लड़के की अभिलाषा रखता है। मैं चुप जरूर थी लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश रहती थी। राकेश के कारण मैं माँ बनने वाली थी। मेरा 7वां महीना था। कमलेश के साथ आसपास के जानने वाले लोग भी बेचैनी से
इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे। तब पूरे 9 महीने हो गए थे। एक दिन अचानक राकेश खाली ट्रक लेकर वहां आ धमका और उदास होता हुआ बोला, अब वह बिहार में ही ट्रक चलाएगा क्योंकि घर के लोगों ने नाराज होकर उसे वापस बुलाया है। यह सुनकर कमलेश और मैं बेहद उदास हो गए थे। आखिरी बार मैंने उसे अच्छा खाना खिलाया और दुखी मन से विदा किया। अगले ही दिन मुझे अस्पताल आना पड़ा। मुझे दर्द बढ़ गया तो मैंने नर्स को बुलाया। आनन फानन मुझे भीतर ले जाया गया। आखिरकार मैंने बच्चे को जन्म दिया और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश में आने पर मैंने जाना कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। मैंने दिल से राकेश को धन्यवाद दिया जिसकी वजह से मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी कोई भी स्टोरी मिस ना हो। प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।